गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह मुझे खबर मिली कि मेरे घर की खपरेल के अंदर जो पन्नी लगी हुई ना, उसके ऊपर कुछ जानवर आ गया है। तो जानवर कौन था, क्या था, क्यों था, ये हम आगे बताएं तो चलेगा ना? हाँ तो ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार व्लॉग। पता नहीं किचन में कुछ निकला हुआ है, बोल रहे हैं सुबह सुबह। क्या निकला है ये देवा? क्या निकला ये कोई कैसे बता सकता है? किसी के पास पन्नी के आर पार देखने की शक्ति थोड़ी है। हाँ, किसी के पास शक्ति नहीं है, एक मैं ही हूँ शक्तिशाली। खैर, तो जब मुझे खबर मिली तो सबसे पहले मैंने ढूंढा डंडा और वो मुझे मिला। उसके बाद मैं आया किचन में, जहाँ पर दो लोग पहले से मिल मिल के देख रहे थे उस जानवर को, यानी कि मेरी मम्मी और मेरा साला भैया जी। तो किचन में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने पन्नी के ऊपर गौर से देखा, ध्यान से, और ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि उस जानवर की लोकेशन कहाँ है। लेकिन जब उस जानवर ने कोई हरकत नहीं की, मुझे पता नहीं चला, तो फिर मैंने अपना जीपीएस डिवाइस उस जानवर के पिछवाड़े पर लगाया और ये पता करने की कोशिश की कि भाई तू है भी या नहीं। तब पता चला कि वो है। अच्छा, मतलब कि तेरे जीपीएस डिवाइस के टच होते ही उस जानवर ने हरकत की, बच के रहना। कहीं उसके पास भी कोई जीपीएस डिवाइस हुआ तो तू भी हरकत करेगा। बता बता, तुझे क्या लग रहा है? क्या बोला मैंने, क्या लग रहा है? सांप लग रहा है। हाँ, सांप है ना, पूंछ वो ऊपर जा नहीं पावे लागत। हाँ, वो चीज़ नहीं पन्नी तो वो सारा कावत है। बुलाऊं? बुलाऊं बोल के मैं ये कहना चाहता था कि मैं सांप पकड़ने वाले को बुलाऊं। तो जैसे मैंने सांप पकड़ने वाले को बोला, वैसे ही लगता उस जानवर ने सुन लिया और वहां से सरक के ऊपर की तरफ पहुंच गया। अब जब ऊपर की तरफ पहुंचा तो वहां भी मैंने उसके पिछवाड़े में अपना जीपीएस डिवाइस लगाया, तो फिर वो भाग के इधर से उधर भागा। हाँ, वो भागा, लेकिन उस जगह पर नहीं जहाँ पर वो पहले था। हाँ हाँ, क्योंकि वो वहीं पर था जहाँ पर मैंने अपना जीपीएस डिवाइस लगाया था। लेकिन फिर वो वहाँ से यहाँ वहाँ भागकर खिसकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने उससे बोला, बेटा कितना भी खिसक ले, लेकिन यहाँ से खिसकने नहीं दूंगा। पता नहीं सांप है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जानवर है। अब एक बाबा का नंबर है, अकील बाबा का, अगर उसको कॉल करें तो इतनी सुबह उठा होगा कि नहीं। पहले लग रहा था कि सांप है। तो देखिए, पहले इनको लग रहा था कि सांप है और अब इनको लग रहा है कि कोई और जानवर घुसा हुआ है। क्लियर कर लीजिए कि कौन है वहाँ पे। अभी जो बाबा पकड़ने के लिए आता है वो फोन ही नहीं उठा रहा है। सुबह सुबह कैसे उठाएगा, मैं खुद नहीं उठाता। अभी थोड़ी बात फिर से लगाऊंगा बाबा को फोन, नहीं तो बाबा को नहीं तो अभी थोड़ी देर से पापा को लगाऊंगा। बोलो पापा, कोई है आपकी पहचान का? तो जैसे ही बाहर आके मैंने अपने पापा की चर्चा की, वैसे ही पापा की पत्नी यानी कि मेरी मम्मी बाहर आई और बोली कि वो जानवर दिखा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी अंदर आके उसके दर्शन करूंगा। सोचा क्या था, निकली क्या? आजा 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 आजा, बुला ले सांप, ले पकड़। नहीं बन रहा क्या उधर? सीढ़ी लगाऊं? सीढ़ी लगा के दूं? ले ले आ। अरे पहली बिल्ली है जो म्याऊं म्याऊं की जगह जाऊं जाऊं बोल रही है। अरे भैया, तो डर के मारे मुंह से कुछ भी निकलता है। खैर, बिल्ली जब घर के बाहर निकली, कुर्सी के नीचे जाकर बैठी, तो मैंने अंदर से रोटियां मंगाई और उसके सामने डाली और बोला कि बेटा खा ले, सुबह का ब्रेकफास्ट है, समझ के खा लो, मैगी नहीं मिलने वाला इधर। तो इसी के साथ एक छोटी बिल्ली की कहानी खत्म हुई और कहानी शुरू हुई एक बड़ी बिल्ली और बड़े बिलोटे की। तो अभी मैं पेटू मल के साथ बातचीत कर रहा था। हैं आंटी जी, ब्रश कहाँ है? वहीं रखा होगा, देख लीजिए। ब्रश, कपड़े धोने वाला ब्रश। कलागन साफ कर रही थी, एक मिनट आंटी जी, लेके आता हूँ। मम्मी, मम्मी ये है क्या आंटी? ये वाला अंगना में रख रहा हूँ। हाँ, तो मैं अपनी पेटू मल के साथ बात कर रहा था। बात क्या कर रहा था, पहले मैं अपने कमरे में काम कर रहा था, तो फिर उसने बुलाया कि जो कल टी शर्ट मैं पहन के बागेश्वर धाम गया था वो दे दो धोने के लिए, तो दे दी। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ कहाँ, बाल कटाने के लिए। तुम्हें भी कटाने बाल? कटाने तो है, लेकिन मजाक में बोल रहा था मैं। मजाक में बोल रहा था तो बोलते हैं ना कि अभी इस तरह में नहीं कटाते, तो एक महीने बाद कटाऊंगी। थोड़ा तेज बोला करो, लोग बोलते तुम्हारी आवाज नहीं देती। बोल रही है कि अभी इस तरह में नहीं कटाते हैं बाल, मतलब प्रेगनेंसी में, इसलिए नहीं कटेंगे। तो मैं अब जा रहा हूँ बाल कटाने के लिए, बहुत दिनों से नहीं कटाए हैं। घट तो रोज रहे हैं लेकिन कट नहीं रहे।
तो कटा लेता हूँ, कटाना मेरे हाथ में है। नहीं, हाथ में तो बार बार के है, डिसीजन मेरा है। तो जाता हूँ फिर किराए वाले कमरे में, कुछ दरवाजा वरवाजा भी बनवाया है तो लगवाना है। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बता, खोते दे पुत्र तो भी देख के चल। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आप घर से निकला बाल कटाने के लिए तो दुकानें खुली ही नहीं थी हेयर कटिंग वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना आधार कार्ड जो मैंने अपडेट करने के लिए दिया था, मेरा और मेरी पत्नी यानी कि नेहा का, वो अपडेट होके आ गया था ऑनलाइन, तो उसकी डुप्लीकेट निकलवानी थी फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी वाली दुकान में मैं गया और उसकी डुप्लीकेट निकलवाई। उसके बाद मैं गया लोहे की दुकान। आज पता नहीं क्या हो गया कि कोई दुकानें खुली नहीं है, मतलब कि बाल वाली दुकान अभी भी नहीं खुली, एक आध दो खुली है, भीड़ है उनमें, और ये अभी अभी खुल गई है, मतलब कि अपना को जहाँ से गेट उठाना है तो गेट के अभी वेट करवा के, लोहा वजन के हिसाब से बिकता है ना, पैसे दे के इसको लेके चलते, उसके बाद ढूंढते बाल वाले की दुकान। जीरो जीरो कहाँ है? हो गया, अच्छा समझ गया। तो 2650 रुपये हुए हैं इस गेट के, इस लोहे के। ये इसको खोल के देखने का, पहले खुलता है कि नहीं, सीधा कर उसको। अभी हमने क्या किया कि गेट को भैया को वापस दे दिया, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कराने का है, क्या है कि नीचे भी एक पट्टी लगवाने का ताकि मजबूत बना रहे ना। निकलते अभी इधर से। बाल वाले की दुकान क्यों नहीं खुल रही है आज? आज तो बुधवार है, मंगलवार भी नहीं है कि कोई दिक्कत हो। क्या कौन से रही? कैसे लग रहे हैं बाल? हुँ? बाल कैसे लग रहे हैं? बाल कटवाई कहाँ हूँ? है आगे हैं कि क्या है? बाल मस्त कटे एकदम कहाँ? कटे कहाँ हैं? इतने बाल कट गए? कटने क्या है? स्टाइल है, स्टाइल स्टाइलिश स्टाइलिश बाल कटवाए इस बार मैंने। लगा था कि बाल कटे, मुझे तो नहीं लगा कल को अब लगता है मुझे बालों को सबूत के तौर पे पन्नी में रख के लाना पड़ेगा घर। कटे हैं बाल, कटे हैं बाल, कटे न कटे आप लोगों का उल्लू तो कटेगा। अरे संभल के, वो मम्मी है, मम्मी रोज चाकू से सब्जी काटती हैं, कहीं उसी चाकू से तेरे बाल भी ना काट दे, ज्यादा उल्लू मत काट।